आज की प्रदूषण को देखते हुए काफी सारे लड़कियां और लड़कों के चेहरे का रंग फीका और गोरापन कम पड़ता जा रहा है। कई सारे लोग अपने चेहरे को गोरा करने के लिए कई प्रोडक्ट और क्रीम का भी उपयोग कर चुके हैं, इसके बावजूद भी उनके चेहरे पर निखार नहीं उभरता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको चेहरे पर टमाटर और हल्दी लगाने से क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, जिसका उपयोग करके आप अपने चेहरे में लाइटनेस ला सके। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से पूरा अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर जी दोस्तों, क्योंकि आपका एक शेयर करने से IntoHindi.com के YouTube चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, IntoHindi.com के इस YouTube चैनल के माध्यम से काफी सारे जानकारी की वीडियो लाने वाली हूँ। तो यदि आपने अभी तक IntoHindi YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही फ्री में रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, हल्दी और टमाटर लगाने की जानकारी को जानने के बाद आप अपने चेहरे की ब्राइटनेस और चेहरे को बेहद गोरा बेहद सुंदर बना पाएंगे, क्योंकि यह जो घरेलू नुस्खा है वह उन लोगों के लिए है जो अपने चेहरे की डार्कनेस और अपने चेहरे की कालेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने चेहरे को बेहद गोरा बेहद सुंदर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस हल्दी और टमाटर को चेहरे पर लगाने के बाद आपके चेहरा अंदर से बहुत ही निखार उत्पन्न करेगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताती हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको टमाटर और हल्दी का फेस पैक कैसे बनाए के बारे में भी बता दूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप आधा कटा हुआ टमाटर का रस एक कटोरी में निकाल ले और एक चुटकी हल्दी पाउडर का अंश टमाटर रस की कटोरी में मिला दीजिए। अब आपको विटामिन कैप्सूल का जेल कैंची के सहारे काटकर हल्दी पाउडर और टमाटर के मिश्रणों के साथ मिक्स कर दे। दोस्तों, इन तीनों मिश्रण के साथ एक चम्मच बेसन पाउडर डालकर एक अच्छा पेस्ट तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों, अब आपका टमाटर और हल्दी के साथ विटामिन ई कैप्सूल और बेसन का मिक्स करके एक अच्छा फायदा पहुँचाने वाला चेहरे का फेस पैक बनकर तैयार हो चुका है। अब आप अपने चेहरे की सुंदरता और चेहरे में लाइटनेस लाने के लिए इस ब्यूटी फेस पैक का उपयोग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको चेहरे पर टमाटर और हल्दी कैसे लगाएं के बारे में भी बता दूं। तो दोस्तों, आप इस फेस पैक को अपने हथेली की मदद से अपने चेहरे पर टमाटर और हल्दी का फेस पैक अच्छी तरह दूध की मलाई समझकर क्रीम की तरह लगाएं, और जब तक कि आपका चेहरे पर पूरी तरह टमाटर और हल्दी अच्छी तरह लग ना जाए तब तक आप अपने चेहरे पर अच्छी तरह इस फेस पैक को लगाते रहे। इसके बाद इसे सूखने के लिए कम से कम एक घंटे तक इसी प्रकार छोड़ दे, और जब यह अच्छी प्रकार आपके चेहरे पर सूख जाए तब इसके बाद आप अपने चेहरे को अच्छे पानी से धीरे धीरे साफ कर लीजिए। दोस्तों, ऐसा आपको हफ्ते में 3 दिन कम से कम करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका चेहरा पहले से काफी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत दिखने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल ही बेहतर टिप्स है चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। आइए मैं आपको इसके फायदे के बारे में भी पूरी जानकारी बताती हूँ। तो दोस्तों, टमाटर हल्दी का फेस पैक चेहरे पर लगाने से चेहरे को अमेजिंग निखार देने के अलावा शरीर की बॉडी में बेहतर रंगत लाता है, क्योंकि टमाटर का उपयोग मेडिकल लाइन और ब्यूटी प्रोडक्ट में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, और इनमें मौजूद सोडियम फाइबर लाइकोपीन जैसी विटामिन अच्छी मात्रा में होता है। साथ ही हल्दी जो कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट एवं फाइबर जैसे प्रोटीन से भरपूर होता है, जिसका उपयोग खाने के साथ स्क्रीन पर लगाकर रंगत को सुधारने और चेहरे की त्वचा के रंग को गोरा और साफ करने में बहुत फायदे पहुंचाता है। दोस्तों, यदि आप टमाटर और हल्दी का मिश्रण तैयार पेस्ट को चेहरे पर लगाते हैं तो बहुत ही लाभ आपके चेहरे को मिलेगा। यह आपके चेहरे के रंग को सुधारने के साथ पिंपल जैसे समस्या और चेहरे में लाइटनेस लाने का अच्छा कार्य करता है। और वही मैं आपको इसके नुकसान के बारे में भी बता दूं। तो दोस्तों, माना जाता है कि हर किसी चीज को इस्तेमाल करने के बाद कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन प्राकृतिक द्वारा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको चेहरे पर या स्क्रीन पर लगाने से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है, जैसे कि टमाटर, हल्दी, बेसन, नींबू इत्यादि। तो दोस्तों, अब आप सभी लोगों को यह मालूम चल चुका है कि चेहरे पर हल्दी और टमाटर लगाने से क्या फायदा होता है और क्या नुकसान, इसके अलावा इसे चेहरे पर कैसे लगाया जाता है के बारे में पूरी जानकारी मिल चुका है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, IntoHindi.com के इस YouTube चैनल के माध्यम से काफी सारे जानकारी की वीडियो लाने वाली हूँ। तो यदि आपने अभी तक IntoHindi YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही फ्री में रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।